कंप्यूटर के सीपीयू को असेंबल करने के लिए किन किन पार्ट्स की आवश्यकता होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिएगा एक मदरबोर्ड। आप जिस भी कैटेगरी का मदरबोर्ड लेते हैं उसी कैटेगरी का आपको प्रोसेसर लेना होगा। उसके बाद हमें एक प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। ये है प्रोसेसर, मैंने Core i3 का प्रोसेसर लिया है, देखिए। इस प्रोसेसर को सबसे पहले हम मदरबोर्ड के प्रोसेसर माउंटिंग को ओपन कर यहाँ फिक्स करेंगे। इसमें देखिए दो कट बने होते हैं, ठीक उसी तरह उस माउंटिंग पर भी दो कट बने होते हैं। उनको देख करके इस प्रोसेसर को ऐसे रख देते हैं और फिर इसका लॉक इस तरह से बंद कर देंगे। फिर हमें इसमें आवश्यकता होती है रैम की। ये रैम है दोस्तों, ये मैंने 4GB का रैम लिया है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम मदरबोर्ड के ये दो इसमें रैम स्लॉट है, हम यहाँ पर इनको फिक्स कर देंगे। इस तरह से इस रैम को हम, इसमें एक कट बना हुआ है, ठीक इसी तरह इस स्लॉट में भी एक कट बना हुआ है। इस कट को मैच करते हुए हम इस तरह से इसमें इसको फिक्स कर देंगे और दोनों थंब की मदद से हम इसको दोनों कॉर्नर से ऐसे प्रेस करेंगे तो इसके दोनों साइड के लॉक है बंद हो जाएंगे। फिर हमें एक आवश्यकता होगी सीपीयू फैन की। ये सीपीयू फैन है दोस्तों, ये प्रोसेसर के ऊपर लगेगा। इस फैन को हम ओपन कर लेते हैं। इस फैन में चार नट होते हैं, ये चार नट यहाँ पर सीपीयू के जस्ट पास में देखेंगे तो चार नट के स्क्रू आपको मिल जाएंगे। आप ठीक इसके ऊपर इसको माउंट कर देंगे। ये ध्यान रहे ये सीपीयू फैन की जो केबल है वो सीपीयू फैन मदरबोर्ड में जो सीपीयू फैन का पोर्ट है पावर पोर्ट की तरफ देखते हुए लगाएं। इसको इस तरह से हम ऊपर रख के ड्राइवर की मदद से इसको हम फिक्स कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसमें लगाएंगे हम एक साटा केबल। ये SSD या हार्ड डिस्क में लगाने के लिए होती है। इसको हम मदरबोर्ड के साटा 0 या साटा 1 पोर्ट के ऊपर हम इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए मेरे इस मदरबोर्ड में साटा 0 ये ब्लू कलर का पोर्ट है, मैं इसको यहाँ इस तरह से, इसमें कट बना हुआ है, इसमें भी एक कट है केबल में भी, इस कट को देखते हुए आप इसको इसमें फिक्स कर देंगे। फिक्स हो गया। उसके बाद हम लेंगे हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क होती है, इस हार्ड डिस्क को इसमें कैसे फिक्स करते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए ये 500GB का हार्ड डिस्क लिया है मैंने। इसमें हम जो मदरबोर्ड से रेड केबल जो हमने साटा लगाई है वो हार्ड डिस्क के साटा पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। आप SSD भी ले सकते हैं, मेरे पास SSD भी है, आप चाहे तो SSD लगा सकते हैं। SSD से कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक जैसे हार्ड डिस्क लगती है उसी तरह से SSD में भी साटा पोर्ट होता है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों पावर सप्लाई की। अब देखिए पावर सप्लाई के अंदर सबसे पहले हमारा जो ये बड़ा वाला जो कनेक्टर होता है ये मदरबोर्ड
साइड लगता है, इसको हमें मदरबोर्ड में फिक्स करना है। ठीक इसी तरह मदरबोर्ड पे ये पावर कनेक्टर, इसमें हम इसको ATX पावर कनेक्टर को फिक्स कर देंगे। प्रेस कर दिया, उसके बाद में अब हमें इसमें एक कनेक्टर देखना है जिसमें दो येलो केबल होती है और दो ब्लैक केबल, इसमें फोर पिन्स होती हैं। इस फोर पिन वाले कनेक्टर को हम ठीक CPU के पास में एक कनेक्टर होता है जो CPU को पावर सप्लाई देता है, इसको हम इस पर फिक्स कर देंगे। अब उसके बाद इसमें दो कनेक्टर SATA पोर्ट के होते हैं और दो कनेक्टर ATA पोर्ट के होते हैं। हमारे पास चूंकि SATA हार्ड डिस्क है, हम इनमें से कोई भी एक अपनी SATA हार्ड डिस्क के ऊपर फिक्स कर देंगे इस तरीके से। लीजिए दोस्तों, अब हमारा CPU का लगभग हार्डवेयर रेडी हो चुका है। इन सभी को ये हम इसमें CPU का फैन केबल लगाना भूल गए, इसको ना भूलें, इसको लगा दें, इस तरह से मदरबोर्ड पर फिक्स कर दें। अब देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर फ्रंट पैनल का एक सर्किट दिया हुआ है। इस फ्रंट पैनल में आप इस फ्रंट पैनल के ऊपर अपना स्विच कनेक्ट करेंगे और पावर सप्लाई में हम पावर केबल कनेक्ट करेंगे। ये दोस्तों पावर केबल होती है जो SMPS पे हमें इस पोर्ट में लगानी होती है, इसको हम इस जगह फिक्स करेंगे और इस सब मटेरियल को हम एक कैबिनेट के अंदर फिक्स कर दें तो हमारा CPU रेडी हो जाएगा। ये कैबिनेट है दोस्तों, इस कैबिनेट में हम इसको फिक्स कर सकते हैं तो हमारा एक CPU रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मदरबोर्ड पे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाकर हम अपने CPU को यूज कर सकते हैं, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।